बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को लगातार झटके लग रहे हैं। पहला झटका तो बैठक शुरू होने से पहले लग गया। खबर ये आई कि केरल में पूर्व सीएम उमान चांडी नहीं रहे। बैठक में गठबंधन के नाम को लेकर नीतीश कुमार से तकरार हो गई। शाम होते होते नीतीश कुमार मुंह फुलाकर अपना झोला लेकर निकल भागे। नीतीश को सदमा इतना गहरा लगा कि पटना पहुंचने के बाद भी वे खामोश हैं। लौटते वक्त राहुल और सोनिया गांधी का चार्टर्ड प्लेन हिचकोले खाने लगा। जैसे तैसे वे दिल्ली लौटे और सुबह सुबह जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता में भगदड़ मचा दी। बैठक में शामिल होकर लौटे जयंत चौधरी ने बैठक के सारे राज खोलकर रख दिए। बेंगलुरु में हुई बैठक को लेकर जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक की अंदरूनी जानकारी। बैठक में हर नेता ने लोगों के मुद्दे और एजेंडा के बारे में बात की। बैठक में देश की चुनौतियों के बारे में बात की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा गया और न ही उन पर कोई बहस या बात हुई। जयंत चौधरी के इस ट्वीट में यूपी की सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। मतलब साफ है कि जयंत चौधरी के लिए दूसरा विकल्प भी खुला हुआ है। विपक्षी दलों के संवाददाता सम्मेलन में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई नेताओं की फ्लाइट थी जिसके चलते वे यहां से पहले खिसक गए, जबकि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु वाली बैठक से नाराज होकर पटना लौटे नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम बिहार की इज्जत का तो ख्याल करते। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलें और अब जयंत चौधरी के ट्वीट ने विपक्षी एकता में फूट की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि बीते दिनों जयंत चौधरी की पार्टी के एनडीए के साथ जाने की खूब चर्चा थी, लेकिन इन चर्चाओं के बीच जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। जयंत चौधरी विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।